17 के पहले सपना था, आज हकीकत है। कोई सोचता था, कोई सोचता था, कोई सोचता था कि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त होगा, आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है। कोई सोचता था उत्तर प्रदेश कर्फ्यू से मुक्त होगा, आज कर्फ्यू से मुक्त भी हुआ है और कावड़ यात्रा भी धूम धड़ाके से निकल रही है। बहनों और भाइयों, पर्व और त्योहार कोई भी हो, शांतिपूर्ण तरीके से, अनुशासित तरीके से संपन्न हो रहे हैं। उपद्रव के लिए जाना जाने वाला उत्तर प्रदेश उपद्रव के लिए नहीं, आज उत्सव प्रदेश बन गया है। उत्सव प्रदेश, कहीं रामोत्सव, कहीं रंगोत्सव, कहीं देव दीपावली का उत्सव, कभी दीपोत्सव, कहीं कृष्णोत्सव। उत्सव ये उत्तर प्रदेश की पहचान बन गई है। ये नया उत्तर प्रदेश, कोई सोचता था कि गरीबों को फ्री में राशन मिल पाएगा? कोई सोचता था गरीब के सिर को ढकने के लिए छत मिल पाएगा? कोई सोचता था गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलेगा? कोई सोचता था कि हमारे हस्तशिल्पी और कारीगर भी सम्मान प्राप्त करेंगे? कोई सोचता था इस अलीगढ़ में हार्डवेयर के लिए जो जाना जाता था, इनके पास हुनर था, लेकिन इसे सम्मान मिलकर के भारत की रक्षा सेवाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम अलीगढ़ बनेगा, डिफेंस कॉरिडोर का एक नोड अलीगढ़ में बनेगा। ये एक सपना था, आज हकीकत है। और अलीगढ़ में एक विश्वविद्यालय भी बनेगा, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर विश्वविद्यालय बनेगा। लेकिन आज हकीकत है बहनों और भाइयों, हकीकत है। और यही नहीं, श्रमिकों के बच्चों के लिए आपको देखना है, श्रमिक और अनाथ बच्चों के लिए कैसा स्कूल चाहिए, अटल आवासीय विद्यालय यही बना है, मैं अभी देख रहा था ऊपर से। और मैं चाहूंगा एक बार जाके जरूर देखिए, हम उत्तर प्रदेश को और देश को कहां ले जाना चाहते हैं। आप देखिए कैसे यहां पर अटल आवासीय विद्यालय है और राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय आपका इसी अलीगढ़ में बन रहा है, उसकी बिल्डिंग को जाकर के देखे किस प्रकार का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है आप अलीगढ़ वासियों को। और इसीलिए बहनों भाइयों, मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, इसीलिए हम लोग आए हैं। कोई सोचता था इस बार तो होली में, देखो मैं होली के आयोजन के साथ हमेशा कोई भी पर्व और त्योहार पड़ता था, मैं बहुत नजदीक से उसको देखता था। मैं इसलिए देखता था क्योंकि हमारा इतिहास छुपा हुआ है उसके साथ, हमें पूर्वजों की कीर्ति उसके साथ जुड़ी हुई है, उनका गौरव जुड़ा हुआ है। हमारे पर्व और त्योहार केवल उत्सव नहीं है, हमारा इतिहास भी है, हमारे पूर्वजों की कीर्ति के गौरव का गान भी करती हैं। और इसलिए इन पर्वों के साथ जुड़ करके मुझे आनंद की अनुभूति होती थी। होली भी मैं देखता था। आप याद करिए, बरसाना और वृंदावन की होली पहले इस रूप में नहीं थी, हमने आज उसको वर्ल्ड क्लास की बना दी। दुनिया आज वहां आती है, आप जाइए ना देखिए वहां। इस बार बरसाना में 10 लाख लोग होली के दिन वहां आए थे, 10 लाख लोग होली के दिन, और नहीं 17 के पहले बामुश्किल 20-25 हजार लोग आ पाते थे। 10 लाख लोग इस बार साक्षी बने हैं वहां के होली के, कभी बरसाना में, कभी नंदगांव में, कभी गोकुल में, कभी वृंदावन में, कभी गोवर्धन में, ये सभी चल हर दिन 15 दिन तक ये चलता था। और वहां पर हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी यही गाना गाया जाता था, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, यही लोग खेलते थे। लेकिन मैं अफसोस करता था कि रघुनंदन प्रभु राम को होली खिला रहे हैं, लेकिन प्रभु राम तो अयोध्या में विराजमान है ही नहीं,
और बहनों भाइयों 500 वर्षों के बाद रामलला ने भी अयोध्या में होली खेली है। ये सब सपना था 14 के पहले और 17 के पहले, ये सब सपना था, आज ये हकीकत बनी है। कोई सोचता था बेटी और व्यापारी सुरक्षित होकर के रात में भी निकल सकते हैं। देखो हम राम को ही लाते नहीं है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा जो बनता है उसका राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। प्रभु राम का नाम लेकर के जीवन यापन करते हैं, राम के बगैर कोई काम नहीं। लेकिन जब कोई सुरक्षा, समाज की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा तो उसका राम नाम सत्य भी तय है। और इसीलिए हमारा कहा जाए बहन और भाइयों, जो 10 वर्ष पहले सपना था आज वो हकीकत बना है। इसलिए बना है, आपके एक वोट की कीमत ने बनाया है। एक वोट गलत लोगों को जाता था, देश भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबता था, अराजकता और उपद्रव के आकंठ में डूबता था, कर्फ्यू लगता था, अराजकता फैलती थी, गुंडागिर्दी फैलती थी। हमारा ही वोट, हमारी बेटी और हमारा ही नौजवान उसकी चपेटे में आता था, वोट हमारा। तो पाप के भागीदार तो हम ही को बनना है जब गलत लोगों को हम देंगे। और इसीलिए मैं आया हूं, एक वोट आपने मोदी जी को दिया, मोदी जी के नाम पे दिया, तो मोदी की गारंटी आपके भविष्य को बनाते हुए दिख रही है। आप देखो ना, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट ये भी बन रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर, निवेश, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, ये फैक्ट्रियां देख रहे होंगे, वंडर सीमेंट की कितनी बड़ी फैक्ट्री बन गई है, चीनी मिल भी आएगा भैया, चिंता मत करो, वो भी हम ही लोग लेके आने जा रहे हैं। गन्ना बोना शुरू करो, चीनी मिल भी हम ही लोग लगाएंगे, चीनी मिल भी हम ही लोग लगाने जा रहे हैं, चिंता मत करो। और इसलिए हम लोग कह रहे हैं, पिछली सरकारों ने चीनी मिलों को बेचा था और 5-5, 7-7 वर्षों तक गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं करते थे। और बहनों भाइयों, आज 120 चीनी मिलों को चला रहे हैं। जब हमारी सरकार 17 में आई थी, जब 2017 में सरकार आई थी, मात्र 115 चीनी मिले थी, आज 120 चीनी मिलों को चला रहे हैं यूपी में। चौधरी चरण सिंह जी की जन्मभूमि की, कर्म भूमि की चीनी मिल रमाला चीनी मिल का पुनरुद्धार हमारी सरकार ने करवाया है, नई चीनी मिल हमने वहां पर दी है। और यही नहीं, पहले गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान 5 वर्ष और 7 वर्ष तक में होता था, आज हमने सुनिश्चित किया 120 में से 105 चीनी मिले एक सप्ताह में गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही है। 15 चीनी मिले ऐसी हैं जिनके भुगतान में थोड़ी लेट है, उसमें भी पेच कसा जा रहा है, क्योंकि पेच थोड़ा इतना कसना चाहिए कि टूटने ना पाए, मिल भी चलाना है, क्योंकि अन्नदाता किसान का हित तो तभी होगा। और हमने चीनी मिलों को ऐसा कसा है, क्योंकि लोगों को पहले ऐसे लगता था कि अपराधियों का कुछ नहीं होगा, लोग अपराधियों को मेहमानदान करते थे, हमने कहा इन अपराधियों को तो जीना आराम कर देंगे, गलियों में तख्ती जरूर लटका देंगे। आपने देखा ना, लटका ना, ये लोग बोलते थे, पहले कहते थे अरे कुछ नहीं होगा इनका, कैसे कुछ हो पाएगा। लेकिन इसलिए भाइयों में बहनों, यहां बोला कम जाता है, परिणाम रिजल्ट देते हैं, और उसी रिजल्ट के लिए आए हैं फिर से। मोदी जी ने जो करके दिखाया है 10 वर्ष में, यही मोदी की गारंटी है। देख रहे हैं ना, देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर,
12 करोड़ अन्नदाता किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, 10 करोड़ गरीब महिलाओं को फ्री में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन, 4 करोड़ गरीबों के सिर ढको ढकने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, 2.5 करोड़ गरीबों को फ्री में विद्युत के कनेक्शन। बहनों और भाइयों, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें कार्य ने किया हो मोदी जी ने, जीवन के हर एक क्षेत्र में। और हम इसलिए आए हैं, मोदी जी ने विकसित भारत की बात कही है। विकसित भारत होगा तब जब उत्तर प्रदेश विकसित होगा, और उत्तर प्रदेश विकसित तब होगा जब अलीगढ़ भी विकसित होगा। विकसित जब होगा, और विकसित तब होगा जब यहां पे मां लक्ष्मी का प्रतीक कमल खिलेगा। कमली खिलाने के लिए हम लोग आए हैं, पूरा मंच कमली खिलाने के लिए आया है, और मुझे लगता है इस मंच से ज्यादा आग्रही कमल खिलाने के लिए आप सब होंगे। मानता हूं ना, है ना, सहमत है ना? और इसीलिए मैं आया हूं आपसे कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, यहां सुरक्षा भी है और समृद्धि भी है, यहां आजीविका है तो आस्था का सम्मान भी है, यहां उपद्रव नहीं उत्सव है। और इसीलिए आपके कहने के लिए आए हैं कि मोदी जी को तीसरा कार्यकाल दीजिए। पहले 3 वर्ष में ही भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। भारत का तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का मतलब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, हर चेहरे पर खुशहाली होगी, रोजगार के अवसर सृजित होंगे। अन्नदाता किसान हो या हस्तशिल्पी हो, महिलाएं हो या फिर गांव का एक सामान्य किसान, इन सबके हितों के लिए बेहतर तरीके से कार्य हो पाएगा। और इसी के लिए हम सब आपके पास आए हैं। हम मानते हैं श्री सतीश गौतम तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। 5 साल आप दौड़ाइए, चुनाव के दौरान प्रत्याशी घर घर नहीं आ पाता, क्योंकि सीमित 14 दिन के अंदर चुनाव लड़ना होता है। और उन दिनों में उनके लिए कह पाना कि घर घर आएंगे, गांव गांव आएंगे, संभव नहीं होगा। मेरी आप सबसे अपील होगी, मोदी जी का प्रतिनिधि बनकर के, सतीश गौतम बनकर के, भाजपा और लोक दल के कार्यकर्ता के रूप में, राजभर पार्टी और अपना दल के कार्यकर्ता बनकर के, निषाद पार्टी का कार्यकर्ता बनकर के, प्रतिनिधि बनकर के घर घर जाना है, एक एक वोट को भारतीय जनता पार्टी की झोली में लेकर के कमल खिलाने का काम करना है। और अब तो और भी अच्छा हो गया जी, अब तो सभी लोग मिलकर के हर ओर, यानी विपक्ष को तो प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं, रोज चेंज हो रहे हैं, रोज ही चेंज हो रहे हैं। मैं एक दिन समाजवादी पार्टी के एक नेता का बयान पढ़ रहा था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करें। अरे कौन सा समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, एक ही परिवार के सभी लोग हैं। कोई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कोई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, कोई महामंत्री है, एक ही परिवार के सभी लोग हैं। ये क्यों नहीं बोलते कि परिवार के अंदर बैठ के हम तय कर लेंगे? बहनों और भाइयों, हम सबको अभी से लगना है, घर घर जाना है। 26 अप्रैल को आपकी वोटिंग होनी है, और 26 अप्रैल की तैयारी के लिए आपके पास चुनाव प्रचार के लिए मात्र 20 दिन का समय है। इन 20 दिनों के अंदर 19 दिन ही आपके पास हैं, क्योंकि 23 की शाम को, 24 की शाम को प्रचार बंद हो जाएगा। और अभी से लग करके, प्राण प्रण से जुट करके, मोदी जी के प्रति, देश के लिए उन्होंने जो किया है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हम सब कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबसे मेरी विनम्र अपील होगी, सतीश गौतम को इस बार का चुनाव महत्वपूर्ण होगा। पिछली बार जितने वोट से जीते हैं और पिछले 2 बार का जो वोट उनका हुआ है, उन दोनों को मिला करके जितनी बढ़त थी दोनों बार,
उन दोनों की संयुक्त बढ़त बना करके आप उतने से उन्हें विजयी बनाने में अपना योगदान देंगे। सभी लोग सहमत है ना? सभी लोग सहमत है? सभी लोग सहमत है ना? तो मेरे साथ जोर से बोलेंगे भारत माता की। जहां तक मेरी आवाज जा रही है थोड़ा हाथ खड़ा करके बोलिए, दोनों हाथ मुट्ठी बांध करके जय घोष के साथ बोलिए। आपकी आवाज पूरे अलीगढ़ में पहुंचनी चाहिए भैया, पूरे अलीगढ़ में पहुंचनी चाहिए और अलीगढ़ के साथ साथ हाथरस तक भी पहुंचनी चाहिए। पहुंचेगी ना? तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत अभिनंदन पूज्य महाराज जी। अब मैं अनुरोध करूंगा इस क्षेत्र के विधायक ठाकुर जयवीर सिंह जी से वो प्रतीक चिन्ह भेंट करें, पूर्व विधायक ठाकुर दलवीर सिंह जी भी अपना इस प्रतीक चिन्ह दें। ठाकुर जयवीर सिंह जी महाराज जी को गदा भेंट कर रहे हैं, ठाकुर दलवीर सिंह जी भी यहां मौजूद हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा अलीगढ़ के जिलाध्यक्ष बहुत ही कर्मठ जुजारू आदरणीय कृष्णपाजी लाला जी से अपना अध्यक्ष उद्बोधन कर आज के कार्यक्रम